तो पैरों को निखारने के लिए, चमकाने के लिए आपको पार्लर जाकर महंगे ट्रीटमेंट कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ ये जो इतना प्रोसेस पावरफुल शेयर है, इतना इफेक्टिव है कि एक ही बार में इसका रिजल्ट है, इतना अच्छा रिजल्ट है कि आप बोलेंगे हम तो बस यही करने वाले हैं। कोई भी क्रीम, कोई भी ट्रीटमेंट आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता जो ये प्रोसेस एंड होममेड ट्रीटमेंट आपके लिए करेगा। और इसको आपने रोज नहीं करना, ऑलमोस्ट मंथ में एक बार भी कर लेंगे तो आपके हाथ पैर बेहद खूबसूरत दिखेंगे। तो आइए जान लेते हैं। तब में हल्का गर्म गुनगुना पानी ले लेना, ज्यादा गर्म नहीं जो आपकी स्किन को डिहाइड्रेट कर दे। जैसे पानी में आप नहाते हो ऐसे पानी का आपने इस्तेमाल करना है। अब आप इसमें ऐड करें शैम्पू, जो शैम्पू आपके पास अवेलेबल हो, आप यूज करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐड करें इसमें ब्लीचिंग पाउडर, जो कि ब्लीच के साथ आता है, काफी सारा आता है लेकिन उसे ज्यादा यूज नहीं किया जाता, तो आप इसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नहीं है सो डोंट वरी, आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें एक पूरे नींबू का जूस ऐड करें, छिलका भी डाल देना है। प्रेगनेंसी के लिए इसमें रोज वाटर ऐड करें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप इसमें अपने हाथों पैरों को डिप करें, 5 से 6 मिनट डुबो कर रखें, और जो नींबू का छिलका है उसे आप अपने नेल्स पर रगड़िए ताकि जो नेल्स का पीलापन है वो निकल जाए और आपके नेल्स डिटैन हो जाए। अब आप इस तरह का कोई भी ब्रश ले लीजिए और उससे अपने हाथों पैरों को रब कीजिए तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। हाथों पैरों को डिप करने से जो मेल्टेनिंग आपकी फूल चुकी है वो इससे इजिली निकल जाती है और आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। 1 टीस्पून राइस फ्लावर, यूनो चावल का आटा, 1 टीस्पून साल्ट, यूनो नमक, 1 टीस्पून कॉफी पाउडर और डाले इसमें व्हाइट कोलगेट तकरीबन 1 टीस्पून। साथ ही आप इसमें रॉ मिल्क ऐड करें और इसका पेस्ट बना लें। सो गाइज, आपका ये पैक बनकर रेडी है। अब इसी पैक को आप लेंगे और अपने हाथों पैरों पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। गाइज, यही वो पैक है जो आपकी स्किन पर जमे डेड सेल्स मेल्टेनिंग को निकालता है। तो अच्छी तरह से आप इसे अपने हाथों पैरों पर अप्लाई करें, रब करें तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, और उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट ऐसे ही रखकर इसी पानी से अपने हाथों पैरों को क्लीन कर लेंगे और उसके बाद प्लेन वाटर से। अब अपने हाथों पैरों को अच्छे से वाइप कर लीजिए, सुखा लीजिए और उसके बाद ये मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए। इसके लिए आपने एक बोल में थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेकर इसमें ऐड करना है ग्लिसरीन तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप्स, 2 से 3 ड्रॉप्स आमंड ऑयल की ऐड करें और ऐड करें इसमें रोज वाटर 1/2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करें और मॉइस्चराइजर की तरह अपने हाथों पैरों पर अप्लाई कर लें। ओवरनाइट रखें एंड देन नेक्स्ट डे उठकर वॉश कर लें। अच्छे रिजल्ट के लिए मंथ में एक बार जरूर करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो जरूर वीडियो को